हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग जनरल एप्टीट्यूड कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए, जिसमें मैं शुरुआत में जो है 5-7 लेक्चर में पहले भी अपलोड कर चुका हूं, 7 लेक्चर पहले भी अपलोड हो चुके हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने शुरू किया था स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का फर्स्ट लेक्चर कम्प्लीट हो चुका है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 1। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम का नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया हुआ है, और उसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग जो है कुछ आज और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो देख लें आप, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए जो है जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसका दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल का आइकन आएगा, अगर उसको भी आप दबा लेते हैं तो मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। आई मे स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कार कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 25 किलोमीटर इन 35 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, तो देखिए ये तो इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ अभी, टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 प्लस 25 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 45 मिनट्स एंड 35 मिनट्स, तो 45 प्लस 35 ये तो मिनट में है, इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, ये घंटे में आ गया। अब जो स्पीड आएगी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, तो 30 और 25 कितना होगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 60 और डिवाइडेड बाई कितना 45 और 5 कितना होगा 50 प्लस 30 कितना होगा 80, तो कैंसिल कर दिया और 2 4 8 2 3 6 और 3 से 165 डिवाइडेड बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 41 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर, दिस विल योर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर व्हाइल इट कम्स बैक इन 1 होल 1/2 आवर्स, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो डिटेल मेथड और दूसरा पिछली क्लास में मैंने एक आपको फार्मूला इस पर लिखवाया तो उसके हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मैं पहले डिटेल मेथड दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें अगर ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर रिवर फ्लो हो रहा है उधर ये बोट लेके जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड और स्ट्रीम जो पानी की स्पीड है या स्ट्रीम की स्पीड है दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फार्मूला लिखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए हमारी एक पूछा गया बोट की स्पीड क्या है, हम सपोज कर ले बोट की स्पीड एक्स है, लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड हो गई एक्स किलोमीटर बोट की, और देखिए यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल स्पीड कितनी हुई एक्स प्लस 3, डिस्टेंस पता नहीं है डिस्टेंस और डिस्टेंस डी लिख दिया, टाइम कितना दिया गया 1 आवर, डाउन स्ट्रीम जाने कितना दिया गया 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया डी आ गया। ठीक है, अब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, सॉरी डाउन स्ट्रीम हो गया, अब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में फिर से फार्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम में क्या होता है ना, जो बोट की अप स्ट्रीम का मतलब रिवर इधर फ्लो हो रहा है हम इधर जा रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड होती है ना तो कितना हो जाता है बोट की स्पीड में से हम लोग स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट x माइनस 3, और डिस्टेंस की जगह पे मैंने देखे क्या लिख दिया, डिस्टेंस जगह मैंने लिख दिया x प्लस 3, और टाइम कितना लिया गया 1 होल 1/2, इसको कन्वर्ट कर ले प्रॉपर फ्रैक्शन में जो 2 1 2 प्लस 3/2। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3/2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3, इसको सॉल्व किया अगर तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, यहां से 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है कितना होगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तुम्हारा डिटेल मेथड हुआ, आइए जो पिछली क्लास में शॉर्टकट लिखा था उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने लिखा था
कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ सेकंड मेथड शॉर्टकट है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू यू टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 यहां पे U क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है कितना दिया हुआ क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर T1 हमारा है डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगेगा तो कितना लग रहा है 1 घंटे लग रहा है T2 क्या है अप स्ट्रीम जाने में जो समय लगेगा जो कितना 1.5 घंटे है 1.5 घंटे का मतलब 1.5 और फिर 1.5 माइनस 1 इसको अगर सॉल्व करने से निकाल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1.5 2.5 और डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1 कितना होगा 0.5 ठीक है तो इसको कैंसिल कर दो 5 times ये 5 times से कट जाएगा और 3 5 तक कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर ओके तो इस तरीके से दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर ही इज लेट बाई 30 minutes However, if he walks at 6 km per hour, he is late by 5 minutes only. What is the distance between his home and school? ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो है लेटेस्ट आपके जो है आई होप दिसंबर 2017 या जून 2017 CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था सेम क्वेश्चन था थोड़ा डिजिट का अंतर था इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे ठीक है इसमें कहा गया कि अगर वो जो है ना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है अपने घर से मान लीजिए अपने घर से ही निकल रहा है हमें एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता है मान लीजिए 6 बजे निकला सुबह और उसको पहुंचना था कितने बजे 8 बजे ठीक है तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है तो उसको आधा घंटा लेट हो जाता है इज लेट बाय 30 मिनट्स उनको पहुंचेगा कितने 8:30 पर पहुंचेगा ठीक है और जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो इज लेट बाय 5 मिनट्स तो वो कितने बजे पहुंचता है 8:05 पर पहुंचता है ठीक है तो इसका मतलब कि जो इसमें इसमें टाइम कितने लग रहा है 2.5 घंटे का और इसमें टाइम कितने का लग रहा है 2 घंटे 5 मिनट का ठीक है तो दोनों में डिफरेंस कितने का 25 मिनट का है ठीक है तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने जो टाइम लगेगा उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको हम निकाल लेंगे और इन दोनों को सेपरेट करेंगे कितना आना चाहिए 25 मिनट्स आना चाहिए ठीक है यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो हम सपोज कर लें कि यहाँ से जो घर से जो है स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स किलोमीटर ठीक है तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो मान लीजिए पहला जो टाइम हमारा जो लगेगा पहला टाइम वो कितना होगा t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कह दिया x और स्पीड कितना कह दिया स्पीड हमें कितना होता है 5 तो x बाई 5 जो दूसरा डिस्टेंस निकाले दूसरा टाइम निकालेंगे t2 टाइम वो कितना होता है डिस्टेंस फिर से कितना x और स्पीड कितना हमारा स्पीड इज इक्वल टू व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर अब देखिए इसमें से इसको अगर माइनस करें x by 5 माइनस x by 6 तो ये देखिए टाइम जो आ रहा है ना हम लोग का वो टाइम किसमें आ रहा है हमारा किसमें आ रहा है टाइम ये आ रहा है अगर हम टाइम को निकालना चाहते हैं हमने जो हमारी जो देखिए स्पीड दी हुई है किसमें दी हुई किलोमीटर पर आवर में और वो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट्स है ना हिज लेट बाय 5 मिनट्स कुछ तो कुछ मिनट में है और कुछ किलोमीटर पर आवर में है ठीक है तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज इक्वल टू ये x by 5 एंड माइनस x by 6 तो हमारा जो स्पीड है ना ये स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो क्यों ना जो हमने ये जो टाइम हमारा गैप आया है टाइम गैप कितना 25 मिनट का इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 25 मिनट को कन्वर्ट करें तो 25/60 आर आ जाएगा वहां से कैंसिल कर दो 5/12 आर आ जाएगा ठीक है t1 - t2 तो t1 इतना है t2 इतना है t1 - t2 इज इक्वल टू 5/12 अब जो हमारा आंसर आएगा ये डिस्टेंस आएगा किसमें आएगा किलोमीटर में आएगा एलसीएम कितना ले लिया 30 तो कितना होगा 6x - 5x इज इक्वल टू 5/12 और अगर इसको सॉल्व करें 6x - 5x एक्स इज इक्वल टू 5/12 इंटू 30 ठीक है तो कितना हो जाएगा 12 से अगर कैंसिल करें तो 6 × 2 = 12 और 6 × 5 कितना जाएगा 25/2 इज अबाउट मींस 12.5 किलोमीटर
तो घर से जो स्कूल का डिस्टेंस वो कितना है 12.5 किलोमीटर। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन 135 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 49 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। देखिए एक ट्रेन जो है ना जो इधर से जा रही है कितनी स्पीड से जा रही है 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक आदमी इधर से आ रहा है ठीक है कितनी स्पीड से आ रहा है वो आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम इन व्हाट टाइम विल इट पास द मैन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना वो ऐड हो जाती है ठीक है। रिलेटिव स्पीड हम जब निकालेंगे मतलब वो तेजी से पार करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप इधर एक बस में बैठे हैं या एक ट्रेन में आप बैठे हों और दूसरी ट्रेन इधर जा रही हो, जब आपके पास से क्रॉस होती है ना तो उसकी स्पीड दोनों आपके आप अगर 40 से जा रहे हो, आपकी ट्रेन 40 से जा रही है 60 से जा रही है, तो आपको दिखेगा ये 100 से पास पार करते हुए दिखेंगे। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है जब अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं ठीक है। और डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस हमारा जो होगा ना देखिए कोई जैसे मैं ये मान लिया मैन है और ये ट्रेन है, ट्रेन आदमी को पार कर लिया इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रेन यहाँ से ये यहाँ पहुँचा और ये जैसे ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगा तो हम कह देंगे कि ये आदमी को क्या कर लिया पार कर लिया। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस लिया जाता है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन लिया जाता है, क्योंकि आदमी का जो चौड़ाई है उसको तो हम लोग जीरो मानते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है जीरो मानते हैं, इसको पोल या मैन समझें तो इसकी डिस्टेंस तो जीरो है, इसकी विड्थ जीरो है, सिर्फ हम लेंथ ऑफ द ट्रेन लेते हैं, डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन। इस कॉन्सेप्ट को अगर लगाए हैं तो रिलेटिव स्पीड जो हमारी होगी, रिलेटिव स्पीड वो कितनी की होगी, दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 54 किलोमीटर पर आवर ठीक है। आप देखिए चूंकि इसमें जो है ना जो डिस्टेंस दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है तो क्यों ना हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अगर 6 से कैंसिल कर दूँ 6 3 18 और 6 9 10 और 3 3 9 तो कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड। जो डिस्टेंस हमारा हो गया वो कितना हो गया, डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ मैन जो कि जीरो होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 135 मीटर। तो टाइम अगर निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, time is equal to distance upon speed और distance कितना हो गया 135 और upon speed कितना हो गया 15, कितना जाएगा 9 सेकंड हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर ट्रेवल्स अलोंग द सर्कल एंड जॉन अलोंग द स्क्वायर, बोथ ट्रेवल एट द सेम स्पीड, इफ दे बोथ start at A moving clockwise then where is John when Peter reaches A again for the first time। लेकिन पीटर और जॉन दोनों A से start करते हैं चलना, जो पीटर है ना वो सर्कल वो इधर से निकलता है, पीटर जो है यहाँ से जाता है सर्कल से ऐसे राउंड लगाता है और जो जॉन है ना वो स्क्वायर से ऐसे स्क्वायर से राउंड लगाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए जो ये पीटर है ना, पीटर यहाँ से चलना शुरू किया और ये एक राउंड लगा के फिर से वापस A पे आ गया, तो उतने टाइम में जो है ना ये जॉन का पोजीशन कहाँ है, जॉन उस पोजीशन पे कहाँ पे है, ऑप्शंस इसके हैं एट बी वो बी पे है, समवेयर ऑन ए बी में कहीं पे है, समवेयर ऑन बी सी साइड पे कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा है और समवेयर ऑन सी डी पे कहीं ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ, पीटर ट्रेवल्स अलोंग द सर्कल एंड जॉन अलोंग द स्क्वायर, बोथ ट्रेवल एट द सेम स्पीड, इफ दे बोथ स्टार्ट एट ए मूविंग क्लॉकवाइज दोनों मूव कर रहे हैं, देन वेयर इज द जॉन व्हेन पीटर रीचेस ए, पीटर एक राउंड लगा के यहीं पे फिर से पहुंच गया है अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो पीटर एक चक्कर जब लगा के यहाँ पर आएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पीटर कितना होगा भाई, तो सर्कल का सर्कल फेरस कितना होता है 2πr, हम मान लेते हैं कि रेडियस है उसका r, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr। अब देखिए चूंकि दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड से जा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो हमारा जॉन है ना वो भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जॉन ऑल्सो
John also travels the distance what 2 pi r, ठीक है। अब हमें उसकी पोजीशन बताने के 2 pi r इस स्क्वायर पर 2 pi r लेंथ कहां पे होगा, ठीक है ना। इसके लिए देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये इसका डायगोनल है, ठीक है ना, ये इसका डायगोनल है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी आपने कहा रेडियस r है, ये कितना हो जाएगा 2r, डायमीटर भी है सर्कल का 2r, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइन करता है, स्क्वायर के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लाइन करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है, तो इसलिए ये जो हमारा डायगोनल होगा वो कितना होगा रूट टू आर, ठीक है ना, डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा रूट टू आर, ओके, एंड दिस इज सॉरी दिस इज आर एंड दिस इज आर मीन दिस इज टू आर, दिस इज टू आर, ओके, टू आर हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल, ओके। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि ये साइड ए है, ये साइड ए है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ से टू को कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट टू आर, ए इज इक्वल टू रूट टू आर, इसका मतलब एक जो साइड की लेंथ है ना वो कितना है रूट टू आर, तो आपको बताना है कि टू पाई आर डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, कितने साइड के बराबर, ये रूट टू आर, ये रूट टू आर, ये रूट टू आर, तो टू पाई आर में ऐसे कितने रूट टू आर आएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए मैं अगर बात करूं, इसी चीज को हमें सेंटेंस में लिखूं कि when John travels root to r distance he crosses the one side of the square, ठीक है, तो जब one meter distance चलेगा तो कितना क्रॉस करेगा, 1 by root 2r, और डिस्टेंस कितना चलना, जब 2 pi r डिस्टेंस चलेगा तो ऐसे स्क्वायर के कितने साइड को क्रॉस करेगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 pi r एंड डिवाइडेड बाय 1 root 2r, ठीक है, तो यहां से देखिए r कैंसिल हो जाएगा, इसे root 2 से root 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा root 2 pi, और root 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो ऑब्वियसली देखिए ये 4 से ज्यादा आएगा और 5 से कम आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, दिस विल बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, इसका मतलब स्क्वायर की 4 से ज्यादा साइड को ये ट्रेवल करेगा और 5 से कम, देखिए जब यहां से शुरू करेगा 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 4 से ज्यादा और 5 से कम, मतलब किसके बीच होगा, ऑन ए बी, इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समवेयर ऑन ए बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, होप सो आपको मजा आया होगा, अगर आपको आनंद आया हो, मजा आया हो, तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, सुझाव हो, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।